हेलो एवरी वन वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा सो लेट्स अंडरस्टैंड विद विद दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ओके सो यू ऑल नो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल यू ऑल यूज मोबाइल फोन्स दीज डेज सो मोबाइल इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड इट इज अ ऑब्जेक्ट मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है ठीक है तो रियल वर्ल्ड एंटिटी को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लियर अब मोबाइल के कुछ फीचर्स होते हैं ठीक है फीचर्स भी बोल सकते हैं हम कैरेक्टरस्टिक्स भी बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं ठीक है अब क्या क्या फीचर्स होते हैं उसका कलर कैसा है मोबाइल का फिर उसका प्राइस क्या है ठीक है उसका आई एम ई आई ई आई कोड क्या है ठीक है सो दीज आर सम फीचर्स एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं हम इसको सो so, ये कुछ फीचर्स होते हैं प्लस कुछ फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ठीक है फंक्शंस होते हैं फंक्शंस जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वीडियो वीडियो कर सकता है हमारा मोबाइल ऑडियो प्ले कर सकता है और मैसेजेस uh, कर सकता है मैसेजेस भी परफॉर्म कर सकता है सो दीज आर सम फंक्शंस ठीक है तो ये एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है और ये फीचर्स और फंक्शंस कहीं पर लिखे हुए हैं और उस जगह को हमने बोल दिया कि वो एक टेम्पलेट में लिखे हुए हैं ठीक है ये एक टेम्पलेट है जहाँ पर ये फीचर्स और फंक्शंस कहीं पर लिखकर लिख कर रखे हुए हैं, हैं तो अगर हमारा मोबाइल ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इन फीचर्स और इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं सो तो ये टेम्पलेट है ठीक है इस टेम्पलेट में फ़ीचर्स भी लिखे हुए हैं फंक्शंस भी लिखे हुए हैं अब बिना सेल के आप बोलो कि सेल फोन ये कर सकता है वो कर सकता है बट जब तक सेल फोन नहीं होगा वो एक्चुअली कर ही नहीं सकता आप बोलो कि सेल फोन से हम मैसेजेस कर सकते हैं सेल फोन से हम वीडियो देख सकते हैं ये चीज़ें आपको पता है लेकिन आप एक्चुअली वीडियो कैसे देख सकते हो आपको एक्चुअल में मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो अब मैं बता रही हूँ कि ये जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको बोलते हैं क्लास टेम्पलेट को बोलते हैं क्लास तो एक बनेगी क्लास क्लास को हम जावा में कैसे बनाते हैं ये एक क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है क्लास और सी कैपिटल सी स्मॉल होता है बिकॉज ये एक कीवर्ड है कीवर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होता है जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो कीवर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा तो क्लास बनानी है तो क्लास कीवर्ड लिखेंगे अब मान लो मेरी क्लास का नाम है मोबाइल और ज्यादातर जावा क्लास बनाते टाइम जो क्लास का नेम होता है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखता है ठीक है जितनी भी जावा की प्री डिफाइंड क्लासेज हैं उन सभी प्री डिफाइंड क्लासेज का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है ठीक है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आ, आप कैपिटल लेटर नहीं लिखोगे तो एरर आएगा इट्स जस्ट दैट कि जावा जिसने डेवलप की थी वो एक कन्वेंशन यूज करता है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा किसी भी क्लास का तो आप भी ऐसी हैबिट रखो कि जब भी आप क्लास बनाओ उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखो ठीक है तो क्लास क्या है टेम्पलेट है क्लास मोबाइल ठीक है अब मोबाइल के अंदर कुछ फीचर्स हैं क्लास ओपन होगी और यहां पे क्लास क्लोज हो जाएगी ठीक है ये करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज मीन्स क्लास ओपन हुई और क्लास यहां पर क्लोज हो गई अब कुछ फीचर्स फीचर्स यानी कि कलर तो मैंने इस कलर का ऐसे लिख दिया इंट कलर ठीक है कलर का कोई कोड दे देंगे हम ये एक कलर है एंड कलर फ्लोट प्राइस ये इसके फीचर्स हो गए ठीक है प्लस फंक्शंस भी होते हैं तो फंक्शंस में मैंने ऐसे लिख दिया void वीडियो फंक्शंस बनाने के लिए हम बोलेंगे वॉइड वीडियो ठीक है अब उसके बाद हमने यहाँ पर वीडियो के अंदर कुछ उसको डिफाइन कर दिया इस फंक्शन को और एक मैंने मैसेज एक मैंने फंक्शन बना दिया जिसका नाम है void ऑडियो और इसी तरह से ये फंक्शन भी ओपन होके क्लोज हो गया फंक्शन डिफाइन हो गया ठीक है तो ये एक टेम्पलेट है जिसको हम बोलते हैं क्लास अब मुझे कलर को भी एक्सेस करना है एक्सेस मतलब यूज करना है प्राइस को भी यूज करना है इस इस फीचर को भी यूज़ करना है और मुझे वीडियो को वीडियो फंक्शन को कॉल भी करना है ऑडियो फंक्शन को भी कॉल करना है कॉल मीन्स इम्प्लीमेंट करना है एग्जीक्यूट करना है आउटसाइड दी क्लास मान लो ठीक है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा इस क्लास मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी फंक्शन क्लास के बाहर लिखा होता है जैसे कि मैंने यहां पर लिखा void वीडियो ठीक है ये एक फंक्शन बनाया ओपन किया क्लोज किया ठीक है इसको बोलेंगे फंक्शन ठीक है अब यही फंक्शन अगर क्लास के अंदर बनेगा क्लास मोबाइल के अंदर बनेगा या किसी भी क्लास के अंदर बनेगा अगर क्लास ओपन क्लास क्लोज और उस क्लास के अंदर अब ये वीडियो फंक्शन है तो हम इसी फंक्शन को क्या बोलेंगे मेथड और एक और चीज जावा का कोई भी प्रोग्राम विदाउट क्लास शुरू नहीं होता आपको कोई नॉर्मल सिंपल सा प्रोग्राम भी बनाना है उसके लिए भी आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी जैसा कि सी सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता था सी प्लस प्लस में आप कोई भी प्रोग्राम बनाते थे तो वो बिना क्लास के भी बना सकते थे और विथ क्लास भी बना सकते थे बट जावा के अंदर अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको पहले क्लास बनानी पड़ेगी उसके बाद ही आपका कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा ठीक है so, सो इसलिए हर एक फंक्शन अगर क्लास के बाहर लिखा है तो हम उसको बोलते हैं फंक्शन और वही सेम फंक्शन अगर क्लास के अंदर लिखा होगा तो उस फंक्शन को अब हम फंक्शन नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे मेथड इसलिए जावा में हमेशा हम फंक्शन वर्ड यूज नहीं करते हम हमेशा बोलते हैं मेथड तो ये एक मेथड है ये दूसरा मेथड है तो हमारी क्लास टेम्पलेट है उसके अंदर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं और कुछ फंक्श कुछ मेथड्स हैं तो यानी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वेरिएबल्स होते हैं और मेथड्स होते हैं ठीक है ये वेरिएबल्स हैं और ये मेथड्स हैं अब इन वेरिएबल और मेथड्स को यूज करने के लिए हमें मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमें एक्चुअली मोबाइल चाहिए तभी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं इनको यूज कर सकते हैं तो क्लास के बाहर ये क्लास ओपन होकर यहाँ पर क्लोज हो गई अब क्लास के बाहर मुझे इन वेरिएबल्स को और इन मेथड्स को यूज करना है अगर तो हम क्या कैसे बन कैसे यूज करेंगे हमें मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स क्या होता है क्लास का नाम क्लास नेम स्पेस देंगे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम ठीक है न्यू का मतलब है ये जो है ना ये ये हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है अब क्या होगा ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट न्यू क्या करता है हम हम ऑब्जेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्लास इंस्टेंशिएट हुई इंस्टेंशिएट होने का मतलब भी यही होता है क्लास का ऑब्जेक्ट बना अगर कहीं पर भी आपको वो बोले जाए कि क्लास इंस्टेंशिएट हो रही है दैट मीन्स क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और एक्चुअली मेमरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट होता है ठीक है तो क्या होगा ना ये हमारी कंप्यूटर की मेमरी है ठीक है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया मान लो इस ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू क्लास नेम ठीक है न्यू क्लास नेम और ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ये है रेफरेंस वेरिएबल जावा में पॉइंटर्स नहीं होते हैं रेफरेंस वेरिएबल है ये ठीक है जावा डजेंट यूज़ पॉइंटर्स मैं जावा के फीचर्स जब डिस्कस करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये हमारी मेमरी है मेमरी के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाया सपोज ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू क्लास नेम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट नेम जो ये लिखा हुआ है ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है मतलब इस इस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस होगा कोई एड्रेस होगा रेफरेंस मतलब एड्रेस मान लो इसका एड्रेस है थाउजेंड तो इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होगी थाउजेंड तो ये पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को ठीक है तो अब मुझे मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैंने क्या बताया अभी अभी क्या सेंटेक्स है क्लास नेम ठीक है क्लास नेम तो so क्लास का नाम क्या है मोबाइल मोबाइल स्पेस देंगे क्लास नेम के बाद है ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख लेती हूं ओबीजे मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे इक्वल टू न्यू न्यू क्लास नेम क्लास का नाम क्या है मोबाइल ऐसे ठीक है सो न्यू मोबाइल हम इसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये इसी को ही रेफर कर रहा है इस लोकेशन को ही रेफर कर रहा है लेकिन एक्चुअली मेमरी में क्या होगा ये जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एक्चुअली मेमरी में क्या होगा मेमरी इस तरह से बनी होती है कॉन्टिगूस ब्लॉक्स तो उसको एक क्लास इंस्टेंश हुई मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो इसका इस ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू मोबाइल ठीक है और ये ओबीजे क्या है रेफरेंस वेरिएबल एक वेरिएबल है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है से सपोज इसका एड्रेस है थाउजेंड तो इस ओबीजे में वैल्यू पड़ी है थाउजेंड जो कि इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है सो so, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट अब ये रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट ही है क्योंकि ये इसको पॉइंट कर रहा है बेसिकली तो हमने बोल दिया ये भी एक ऑब्जेक्ट है अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मोबाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसको इन इसके वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर तो मैं यहाँ पर कलर को अगर कोई वैल्यू देना चाहूँ आउटसाइड दी क्लास यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट तो मैं कैसे दूंगी ऑब्जेक्ट नेम डॉट कलर इक्वल टू टू मान लो मैंने इसे दे दिया तो आई कैन एक्सेस दिस वेरिएबल यूजिंग द क्लास मोबाइल ऑब्जेक्ट अब जैसे मुझे देना है से uh, सपोज मुझे इस वीडियो मेथड को कॉल करना है तो कैसे करेंगे डॉट ऑपरेटर से ओबीजे डॉट वीडियो वीडियो और सेमी कॉलन जब आप कॉल करते हो तो सेमी कॉलन लगाते हो डिफाइन करते हो तो सेमी कॉलन नहीं आता ठीक है सिमिलरली अगर मुझे अब ऑडियो को कॉल करना है तो ओ डॉट ऑडियो और सेमी कॉलन इस तरह से तो ये आपने क्लास बनाई क्लास का नाम लिखा क्लास का कीवर्ड स्मॉल लेटर होगा सी ओपन की क्लोज की अब क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं ठीक है दोनों दो ही चीज़ें होती हैं वेरिएबल्स एंड मेथड्स अब क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस करना है अगर यूज करना है आउटसाइड द क्लास तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा मोबाइल मतलब क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू क्लास का नाम और इसी को हम बोल देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है मेमरी में इस तरह से ऑब्जेक्ट बनेगा ये रेफरेंस वेरिएबल होगा ये रेफरेंस वेरिएबल मतलब रेफरेंस मतलब एड्रेस तो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा और इसको पॉइंट कर रहा है तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इनके वेरिएबल्स और मेथड्स को यूज कर सकते हैं कैसे यूजिंग डॉट ऑपरेटर तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल का नाम कलर इक्वल टू करके हम इसको वैल्यू दे सकते हैं इसी तरह से हम ऑडियो वीडियो को कॉल कर सकते हैं इसी तरह हम प्राइस को भी वैल्यू दे सकते हैं कि ओबीजे डॉट फोर पॉइंट फोर ओ डॉट प्राइस इक्वल टू फोर पॉइंट फोर बिकॉज ये फ्लोट है तो फोर पॉइंट फोर इस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट सो ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है एंड क्लास एक टेम्पलेट है और क्लास में चीजें लिखी हुई हैं और एक्चुअली अगर हमें चीजों को यूज करना है फीचर्स को या वेरिएबल्स को और मेथड्स को तो उसके लिए वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया किस तरह से ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स बनता है और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूजिंग डॉट ऑपरेटर यू कैन एक्सेस क्लास वेरिएबल्स एंड क्लास मेथड्स सो आई होप क्लास क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरी थैंक यू सो मच